मंगल रात्रि बच्चों, आज हम कविता दो मीराबाई के पद पढ़ेंगे। इसमें मीराबाई ने जो वर्णन किया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मीराबाई ने कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वह दूसरे प्रकार का है। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया है और उनके सगुण रूप की पूजा की है, भक्ति की है। इसी क्रम में पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी गई उनकी कहानी कहा करिए कोई, संतन लिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अजमन कर सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूधी मथी व्यर्थ काट लियो डारी गई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर अब तारो मोही। मीराबाई जी ने कहा है कि इस संसार में मेरे सब कुछ श्री कृष्ण भगवान हैं, अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले मेरे पति हैं, उनके सिवाय मेरा कोई दूसरा नहीं है। जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात जो सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं वह मेरे पति हैं। छाड़ी गई उनकी कहानी कहा करिए कोई, मैंने इस कुल कहते हैं परिवार समाज तो कुटुंब, मैंने कुटुंब की मर्यादा को छोड़ दिया है, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं साधु संतों के साथ बैठती हूँ और मैंने लोक लाज को खो दिया है, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को बोया था उसे आंसू के जल से सींचा था, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, जो प्रेम रूपी बेल मैंने बोई थी और जिसे मैंने आंसू के जल से सींचा था, अब वह बेल पूर्ण रूप से फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की मथनी अर्थात दूध को मथनियाँ से बड़े प्रेम से बिलोया, कृष्ण रूपी प्रेम के दूध को बड़े प्रेम से बिलोया, उसमें से दधी मथी व्यक्त काली लियो छाड़ी गई छोई, उसमें से मैंने जो दूध को मत कर घी निकला था वो बाहर निकाल लिया और उसमें से जो छाछ बची थी उसको वहीं पर छोड़ दिया, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि इस संसार में जब मैं कृष्ण भक्त को देखती हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु जब मैं इस संसार स्वार्थ संसार को देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती है कि मीरा तो कृष्ण की दासी है, अब वही मुझे पार लगती है। पद नंबर दो, पग घूर बांधी तेरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सी आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा गई बावरी न्यात कहे कुलनासी, विस्का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले कन्यासी। दूसरे पद में कहा गया है कि जो मीरा है उसने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वह साधु संतों के साथ नृत्य करती है। इन सब चीज से दुखी होकर उन्होंने जो उसके पति थे राणा जी, उन्होंने उसे मारने के लिए इसका प्याला भेजा जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई, क्योंकि मीरा का मानना था कि वह तो कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि उसे समाज का संसार का कोई भय नहीं है और वह कृष्ण में इतना विश्वास रखती है कि कृष्ण तो अविनाशी है, उनका जो रूप है वो अविनाशी है और वह तो अपने भक्त को आसानी से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पद में यही कहा गया है कि मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और साधुओं के साथ नृत्य करती है और कहती है कि मेरे तो सब कुछ श्री कृष्ण भगवान है, अर्थात मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है और मैं उत्सुक रूप से सही तरीके से उनकी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, इस संसार के लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है और जो परिवार है कुटुंब है वह उसे कुल का नाश करने वाली कहते हैं।
विष का प्याला, इस सबसे प्रसन्न इस सबसे दुखी होकर मीरा के पति ने विष का प्याला भेजा और जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। और मीरा कहती है कि मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर हैं जो अपने भक्तों को सहज रूप से ही प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें जो काव्य सौंदर्य है वो काव्य सौंदर्य में है कि जो फर्स्ट पॉइंट है कि मीरा ने कृष्ण की अनन्य भक्ति की है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। दूसरा पॉइंट है श्रृंगार रस है। तीसरा पॉइंट है राजस्थानी भाषा है। और इसमें जो बोली है वो गए पैदल है, संगीतात्मक भाव है। और इसमें जो पद है तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है।